तो हेलो दोस्तों, फिर से दुनिया के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, फॉरेस्ट यानी कि जंगल हमने सभी ने देखे हैं या फिर जंगलों के बारे में जानते तो हैं, पर दोस्तों ऐसे ही कुछ अद्भुत फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे इस वीडियो में, जो शायद ही पहले आपने कभी सुने होंगे या फिर देखे होंगे। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे फॉरेस्ट को देखे हैं जो जंगलों के पेड़ के पत्तों की जगह कांच की शीशियां ही शीशियां देखने को मिलता हो, हर एक पेड़ में या एक तरह से कहें तो पूरा जंगल में? जिधर भी नजर डाले उधर ऐसे ही कांच के बोतलों वाली पेड़ नजर आती है, जो आप देख सकते हो कि किस तरह के पेड़ मौजूद है यह फॉरेस्ट में। यह सुनकर आपको शॉक जरूर लगेगा कि यार ऐसा भी फॉरेस्ट हो सकता है दुनिया में। लेकिन दोस्तों, ऐसा फॉरेस्ट हकीकत में देखने को मिलता है, जहाँ पर हर एक पेड़ में पत्तों की जगह कांच की बोतलें ही बोतलें देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अद्भुत जंगल के बारे में। तो दोस्तों, यह फॉरेस्ट कैलिफोर्निया के ओरो ग्रैंड में देखने को मिलता है। इस जगह पर हर एक पेड़ में कांच की बोतलें ही बोतलें देखने को मिलता है। तो शायद आपको देखकर कहीं ना कहीं यह लगता होगा कि यह कोई नेचुरली तो नहीं है, या फिर कहने का मतलब यह है कि इस फॉरेस्ट को किसी इंसान ने बनाए होंगे। तो शायद आपको लगेगा कि इस फॉरेस्ट की कहानी क्या है और इसे किस लिए बनाया गया और किसने बनाया है। तो दोस्तों, इस फॉरेस्ट को कैलिफोर्निया के एक आदमी ने बनाया है, जिनका नाम एल्मर लॉन्ग है, और इन्होंने यह फॉरेस्ट को बड़े ही यूनिक तरीके से डिजाइन किया है, जिसे देखने में ऐसा लगता है कि मानो कोई फॉरेस्ट ही हो जैसा दिखता है, सेम टू सेम फॉरेस्ट के जैसा ही दिखता है। लेकिन फर्क इतना है कि फॉरेस्ट के पेड़ों में हरे हरे पत्ते लगे होते हैं, लेकिन यह आदमी ने यह फॉरेस्ट में पेड़ के पत्तों के जगह कांच की बोतलें ही बोतलें लगाए, जो कि बड़े ही यूनिक तरीके से डिजाइन किए हैं, जिसे देखने में अनबिलीवेबल लगता है। जिसको बनाने के लिए हर एक कबाड़े के सामानों का उपयोग किया गया है, जैसे कि अल्कोहल की बोतलों से लेकर, ये एक तरह से कहें तो यह फॉरेस्ट को बनाने के लिए हर एक कबाड़े का सामान का उपयोग किया गया। जिस फॉरेस्ट में उपयोग की जाने वाली बेसिक सी चीजें, जैसे जिनमें से कार, टाइपराइटर और अल्कोहल की बोतलें, पूरा का पूरा ट्रांसफार्म, टेलीफोन, सिलाई मशीन, किचन सिंक और भी ऐसे कई फेंके कबाड़ों का सामान का उपयोग करके इस फॉरेस्ट को तैयार किया है यह आदमी ने। और दोस्तों, यहाँ तक कि जानवरों की हड्डियां तक भी उपयोग किए गए, और इन पेड़ों में ज्यादातर कांचों की बोतलों का उपयोग किया गया है। ऑल ओवरऑल देखें तो हर एक कबाड़े का सामान का उपयोग करके बनाए हैं यह फॉरेस्ट को बनाए हैं, जो देखने में यार बहुत ही वियर्ड लगता है। और दोस्तों, इस फॉरेस्ट का नाम भी रखा गया है, जिसका नाम अल्मर बोटल ट्री रेंज है। और अब शायद यह जानकर या फिर इसे देखकर आपको लगता होगा कि इतने सारे कबाड़ी का सामान एक ही इंसान के पास एक ही जगह पर कैसे हो सकता है। ऐसा तो है नहीं है कि सारे सामान इनके पास मौजूद हो, जो कि हर एक चीज यूज करते हो, सिलाई मशीन से टाइपराइटर से पंखे से लेकर हर एक चीज का पार्ट का उपयोग किया गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि यह व्यक्ति हर एक चीज का उपयोग करता हो। तो फिर कहीं ना कहीं आपके थॉट में यह क्वेश्चन आता होगा कि इतने सारे सामान को इकट्ठा एक ही आदमी ने कैसे किया। यह सवाल आपके थॉट्स में गूंज रहे होंगे, क्योंकि इस जंगल में ऑलमोस्ट सारे सामानों का उपयोग किया गया है, और यह कबाड़े से बना फॉरेस्ट टोटल 15,000 स्क्वायर फीट एरिया में बनाया गया है। और इतने बड़े जगह में फॉरेस्ट बनाने के लिए इतने सारे कबाड़े के सामान कैसे इकट्ठा किए होंगे, कहां से लाए होंगे यह ढेरों सारे सामानों को? तो दोस्तों, इसकी कहानी कुछ ऐसी है। इनके पिता थे, और उनके पिता सारी जिंदगी सामान को थोड़ी थोड़ी इकट्ठा किया करते थे, तभी उन छोटे छोटे कबाड़े के सामानों का उपयोग करके यह व्यक्ति ने, यानी कि यह एल्वर लॉन्ग ने, छोटे छोटे लोहे या फिर टीन की ऐसे कई मूर्तियां बनाया करते थे, जो कि यह एक आर्टिस्ट भी थे, जो लोहे या फिर टीन से बनी अच्छी अच्छी चीजें डिजाइन कर लेते थे। और फिर उसी बीच सन 2000 में वे अपने घर के आंगन में दो लोहे के बने पेड़ बनाए थे, और उस पेड़ की शाखाओं पर बड़ी बड़ी कांचों की शीशियां लगा दिए थे, जो दिखने में बहुत ही आकर्षक लगता था, जो यह पेड़ लोगों को अट्रैक्ट करता था। और इनका घर रोड 66 के पास ही मौजूद है, और इनके घर के पास से रोड 66 के टूरिस्ट जाया करते थे, और कुछ टूरिस्ट की नजर इनके घर के आंगन में बने दो क्रिएटिव पेड़ लोगों को अट्रैक्ट करता था, और उन दो क्रिएटिव पेड़ों के साथ लोग सेल्फी भी लेते थे। और उसी बीच इन्होंने देखा कि इन दो पेड़ को लगाने से इतने सारे लोग सेल्फी लेते हैं, और फिर उन्होंने यह सोचा कि क्यों ना इसी जगह पर थोड़ा थोड़ा करके एक फॉरेस्ट तैयार किया जाए, जिससे लोग और भी अट्रैक्ट हो, क्योंकि उस रोड से ज्यादातर गुजरने वाले विदेशी लोग ही थे। तो इन्हें लोगों को देखकर इन्हें और भी अच्छा लगता था, और फिर हर साल थोड़ी थोड़ी कबाड़े का सामान का इकट्ठा करके कई ऐसे पेड़ लगाकर एक फॉरेस्ट ही में ही कन्वर्ट कर दिए। तो दोस्तों, कैसे लगा इस अद्भुत फॉरेस्ट के बारे में जानकारी, कॉमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।